फ्रॉम 31st of July anyone can travel to New Zealand. New Zealand में कोई भी travel कर सकता है 31st of July के बाद. New Zealand ने अपने borders खोल दिए हैं for international student, for visitor visa, for working holiday visa, for tourist visa and work visas. तो New Zealand ने काफ़ी changes किए हैं. तो ये सारे changes मैं इस video में बताऊँगा. इस video को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये सारे changes आपको समझ में आ जाएंगे. तो let's get started. सबसे बड़ा और जो major change हुआ है वो है international students के लिए. पहले क्या था, जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड आते थे कोई भी स्टडी लेके, लेवल 7, लेवल 8, चाहे वो एक साल की स्टडी होती थी, चाहे वो दो साल की, चाहे वो तीन साल की, तो उनको तीन साल का ओपन वर्क वीज़ा मिलता था, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बोलते थे. बट अभी इमिग्रेशन ने क्या चेंज कर दिया है, अभी ये है कि अगर आप एक साल की स्टडी लेके आते हो तो आपको एक साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, और अगर आप दो साल की स्टडी लेके आते हो तो आपको दो साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, और अगर आप तीन साल की स्टडी लेके आते हो तो आपको तीन साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा. तो आपकी स्टडी जितनी लंबी होगी उतना ही बड़ा आपको वर्क, उतना ही ज़्यादा आपको वर्क वीज़ा मिलेगा. दूसरा और जो सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है, यू विल गेट ओनली 1 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. इसका मतलब ये है कि चाहे आप जितनी बार भी न्यूजीलैंड में स्टडी ले लो, आपको सिर्फ एक बार पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा. पहले क्या होता था, कुछ बच्चों के जब वीज़ास नहीं लग पाते थे, जब उनको कुछ स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाते थे अपने वर्क वीज़ा को सपोर्ट करने के लिए, जो क्लोज्ड वर्क परमिट होता था, तो वो क्या करते थे, वो स्टडी ले लेते थे. एक साल की स्टडी ली तो तीन साल का ओपन वर्क वीज़ा मिल जाता था पोस्ट स्टडी. जितनी बार भी आप स्टडी लेते थे आपको उतनी बार ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता था, ओपन जॉब सर्च जिसको बोलते थे. बट अब ये गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, नो मैटर आप जितनी बार मर्जी स्टडी ले लो, आपको उसके बाद कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा. और अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार स्टडी लेते हो न्यूजीलैंड में, तो आपको सीधा वर्क परमिट ही लेना पड़ेगा. आपको ऐसा एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा जो एक्रेडिटेड हो और आपको वो स्पॉन्सर कर सके. तो ये दूसरा बड़ा मेजर चेंज है. और इसमें एक छोटा सा चेंज ये भी है कि जो भी लेवल 7 की स्टडी लेके आएगा, अगर उसकी स्टडी ग्रीन लिस्ट में है तो ही उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज पॉसिबली नहीं मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेवल 7 बिजनेस की स्टडी लेके आते हो और अगर आप ग्रीन लिस्ट में नहीं हो, अगर आपका वो ऑक्यूपेशन ग्रीन लिस्ट में नहीं है, तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा. और ग्रीन लिस्ट के बारे में और ग्रीन लिस्ट क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं. तीसरा और जो मेजर चेंज हुआ है वो ये है कि जो भी कोई अपने पार्टनर के साथ आता था, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ आता था या वाइफ अपनी हस्बैंड के साथ आती थी, तो एक जना जो था वो पहले स्टडी लेके आ जाता था और दूसरे को ओपन वर्क वीज़ा मिल जाता था, जिससे वो जितना काम करना चाहे कर सकता था. बट अभी ये जो चेंज हुआ है, इट्स लाइक लिटल बिट हर्टफुल, बिकॉज कोई भी लेवल 7 या उसके ऊपर की स्टडी लेके आता है और अपने पार्टनर के साथ आता है, तो उसके पार्टनर को ओपन वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा. और इसका मतलब ये है, अगर आप अपनी वाइफ के साथ आते हो, अगर आपकी वाइफ ने स्टडी ली हुई है लेवल 7 की और आप उनके साथ आते हो, तो आपको ओपन वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा. आपको खुद ही अपना वर्क वीज़े के लिए स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा. आपको विजिटर वीज़ा मिलेगा, आप अपनी वाइफ के साथ आ सकते हो, बट आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा. आपको वर्क वीज़ा लेने के लिए कोई ऐसा एक्रेडिटेड एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा जो आपको स्पॉन्सर कर सके वर्क वीज़ा के लिए, तो ही आप काम कर पाओगे, तो ही आप काम के लिए एलिजिबल होगे न्यूजीलैंड में, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते. और मुझे ये लगता है कि ये जो चेंज हुआ है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है जो भी कपल्स आएंगे न्यूजीलैंड में, बिकॉज जब आप विजिटर वीज़े पे होगे तो आपके ऊपर किसी भी एम्प्लॉयर का ट्रस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और वो आपको किस बेसिस पे वर्क वीज़ा देंगे, स्पॉन्सर करेंगे, इट विल बी हार्ड. तो ये जो चेंज है ये थोड़ा सा हर्टफुल लगता है मुझे. फोर्थ और जो मेजर बड़ा चेंज हुआ है वो है FTS फंड्स में. पहले तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंडिया से $15,000 दिखाने पड़ते थे, लेके आने पड़ते थे अपने अकाउंट में, कि वो अपना एक साल तक का खर्चा चला सकते हैं न्यूजीलैंड में अगर उनको जॉब नहीं मिलती. बट अभी इसको क्या कर दिया गया, अभी इसको कर दिया गया है $15,000 से $20,000. अभी आपको $15,000 से $20,000 अपने अकाउंट्स में FTS के फंड्स दिखाने पड़ेंगे अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं. फिफ्थ और जो मेजर बड़ा चेंज हुआ है वो वर्क वीज़े को लेकर है. काफ़ी लोग हमसे मैसेज करके पूछते थे, कमेंट करके पूछते थे कि हम डायरेक्ट वर्क वीज़े में न्यूजीलैंड कैसे आएँ.
तो ये उनके लिए काइंड ऑफ गुड न्यूज़ है। अब आप न्यूजीलैंड अगर आना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आ सकते हो। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने एक ग्रीन लिस्ट अनाउंस की है जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप इस वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑक्यूपेशन में आ सकते हो डायरेक्ट न्यूजीलैंड वर्क वीज़े पे आफ्टर 31 जुलाई। और आप जब वर्क वीज़े पे आओगे न्यूजीलैंड तो आप 30 सितंबर के बाद आप सीधी पीआर अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास इस लिस्ट में से, इन ऑक्यूपेशंस में से कोई भी आपके पास वर्क वीज़ा है। और अगर आप न्यूजीलैंड में नहीं भी हो, अगर आप न्यूजीलैंड से बाहर हो, अगर आप ऑफशोर हो किसी भी कंट्री में, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, यूएई में, कहीं पे भी हो, अगर आप इस ऑक्यूपेशन में आना चाहते हो तो आप सीधी डायरेक्ट पीआर अप्लाई करके अपनी उस कंट्री से न्यूजीलैंड में आ सकते हो। और ये जो आपको ग्रीन लिस्ट दिख रही है, ये सारे ऑक्यूपेशंस की न्यूजीलैंड में बहुत कमी है, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उस गैप को कम करने के लिए और एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ओवरसीज से इन सारे ऑक्यूपेशंस में दूसरे लोगों को हायर कर सकें, बिकॉज न्यूजीलैंड में इनकी बहुत कमी है, तो इसलिए उन्होंने ये ग्रीन लिस्ट अनाउंस की है जिसमें आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे और सीधे पीआर भी आ सकते हो। और अगला जो चेंज हुआ है ग्रीन लिस्ट में वो है वर्क टू रेजिडेंट वीज़ा। वर्क टू रेजिडेंट वीज़ा का मतलब ये है, ये जो आपको ऑक्यूपेशंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इनमें से किसी भी ऑक्यूपेशन में आ सकते हो न्यूजीलैंड। आप वर्क वीज़ा पे डायरेक्ट आ सकते हो, आपको 2 साल वर्क वीज़ा पे रहना पड़ेगा न्यूजीलैंड में, और उसके बाद आप डायरेक्ट सीधी पीआर अप्लाई कर सकते हो और आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। और ये जो मेजर वर्क वीज़ा वाला चेंज हुआ है ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि अगर आपको पीआर चाहिए इस ग्रीन लिस्ट में तो आपकी जो सैलरी है वो मीडियन वेज होनी चाहिए, कम से कम मतलब $27.76 होनी चाहिए, तो ही आप पीआर के लिए एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद सिक्स्थ और जो मेजर लास्ट सिक्स्थ चेंज हुआ है वो ये है कि पहले जो था, जब आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करते थे स्टडी करने के बाद, तो आपको अपने अकाउंट में 4500 न्यूजीलैंड डॉलर दिखाने पड़ते थे वीज़ा लगवाने के लिए, बट अभी जो है उसको $5,000 में कर दिया गया है। तो अगर आपको अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लगवाना है तो आपको अपने अकाउंट में $5,000 दिखाने पड़ेंगे। तो ये तो थे मेजर सिक्स चेंजेस। और इसके अलावा अगर कुछ मिस आउट हो गया हो या आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और ये जो मेजर आपको मैंने सिक्स चेंजेस बताए हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।